अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम आपको एमसीक्यूज़ के बेसिकली एप्लीकेशन का एक रिव्यू देने जा रहे हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि एमसीक्यूज़ की कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं यहाँ पर। नाइन्थ क्लास मैट्रिक, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर, ये चार बेसिकली क्लासेस के लिए आमतौर पर, बाकी टेस्ट प्रिपरेशन में भी बीएड और इसी तरह एम कैट बी कैट की भी इसके अंदर इंशाल्लाह आ जाएंगे। सबसे पहले हम नाइन क्लास को देखते हैं। नाइन क्लास में एमसीक्यूज़ के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं बुक्स और कुछ लिखे हुए हैं बगैर बुक्स के। जैसे केमिस्ट्री नॉर्मल लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है केमिस्ट्री बुक। तो ये बुक वाला के चक्कर है और नॉर्मल का क्या मसला है, देखें। ये स्पेसिफिक जो नई बुक अभी आई है हमारी, ठीक है, केमिस्ट्री की, ये उसके एमसीक्यूज़ हैं। आप इसमें से जाकर यहाँ पर भी इसको चूज़ कर सकते हैं इस तरह H2 नो फॉलोइंग फिजिकल मेन, ठीक है। तो इस तरह इसमें हम करेंगे, देखें कितने सवाल मौजूद हैं इसके अंदर। 11 सवाल है और अभी हम 4 सवाल के आंसर दे चुके हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब किस्मत ऐसी है कि इस वक्त सारे के सारे चल चल एक दफ़ा पूरा करके देखते हैं, ऊपर नीचे ही हो रहा है। ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं कि आपके आंसर कौन कौन से ठीक थे, तो देखें ये देखें, ठीक है। ये एक रिव्यू है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर आप इसके रिज़ल्ट को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ दिखा सकते हैं कि देखें मैंने तैयारी कर रहा हूँ और ये इस चीज़ की, इस टॉपिक की तैयारी मैंने कर ली है। अच्छा, नाइन क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें अभी इस वक्त अवेलेबल हैं। फिज़िक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ठीक है, फिर वो फिज़िक्स बुक, बायोलॉजी है, कंप्यूटर, इंग्लिश भी मौजूद है इसमें। अभी उर्दू वगैरह इसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान स्टडीज़, केमिस्ट्री, फिर पाकिस्तान स्टडीज़, फिर बायो, फिर फिज़िक्स, फिर इंग्लिश अभी यहाँ मौजूद है। फिर क्लास फर्स्ट ईयर में हम देख लेते हैं ज़रा, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये इस पर अभी अवेलेबल है। और इसी तरह सेकेंड ईयर के अंदर इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी भी, कंप्यूटर भी नहीं है इस पर कंप्यूटर होना चाहिए था। इंशाल्लाह जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उस दिन तक इसमें कंप्यूटर भी इंस्टॉल हो चुका होगा। अभी बिल्कुल आराम से इसको आप सवाल पढ़ के मुतमिन होके, देखिए पेपर के अंदर भी जितना टाइम होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर आराम से इसको देखें, पढ़ें और उसके बाद इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजीली है। यहाँ पर चार ऑप्शन ये भी दिए हमें, 50-50 अगर करना चाहें, आप इसको स्किप करना चाहें किसी आंसर को, तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज बहुत ही बुरा मेरा दिन से लगता है एमसीक्यूज़ के अंदर, मैंने सीधे आगे ट्राई नहीं किया, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पर जो है अगर हम बोर्ड पर आगे चेक करेंगे तो आपके पास जो है आज के जो स्कोर होगा वो पूरा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मंथली में आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मंथ के अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्टिव हैं और जो यहाँ पर एक्टिवली मतलब अपना अपना जो है एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आपके सामने मौजूद है। इसी तरह जो ओवरऑल जो है इसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो ये वो भी यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ पर एक देख सकते हैं बोर्ड के अंदर। और यहाँ पे क्या है इसके अलावा, आपने आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपने अभी तक हमने जो यहाँ पे कितने अटेंड किए कर चुके हैं क्वेश्चंस, कितने ठीक जवाब आते हैं, कितने गलत जवाब आते हैं, ठीक है, उसकी जो ग्राफ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या है, अगर आपको कहीं पे कोई एमसीक्यू जो है वो बुक मार्क करना है तो इसके लिए आप आकर देखें, जैसे ये मौजूद है तो आप इसको, ठीक है, इसका जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं। बुक मार्क आप किसी भी एमसीक्यू को कहीं भी कर सकते हैं, तो एमसीक्यू से यहाँ पर आ जाएंगे। अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, इंस्ट्रक्शन है, सेटिंग है, शेयर ऐप, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को भेजेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कोड होगा, इस कोड के साथ आप इसको शेयर करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर वो जब भी आपका फ्रेंड आएगा तो उस कोड के साथ अंदर इन होगा, तो ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा लगेगा यार आपने किसी को भेजा ही। फिर सेल्फ चैलेंज है, प्रैक्टिस है, ये फ्रेंड के साथ जो खेलना है ये क्या होता है कि आप यहाँ पर अपना रूम बना लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अपना रूम बना देते हैं, क्रिएट रूम करते हैं, और कौन सी क्लास के लिए, 9 के लिए कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पर कोड आ जाएगा, ये कोड जो है इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही फ्रेंड आपके शेयर हो जाएगा तो यहाँ पर इसके साथ कनेक्टिविटी बन जाती है, तो फिर इसके बाद ये पूरे बेसिकली 9 क्लास की जो भी चीज़ें उसको अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। तो एक क्विज की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जो कि आपको कराची बोर्ड की अगर तैयारी करनी है तो 9th मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं, और जब बार बार आप बार बार अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है 20 सेकेंड के अंदर, तो आपके लिए वो जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाता है, उसको याद करने में, मेमोराइजेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको इस्तेमाल करके अपने टाइम को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से आप जो है एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन अवेलेबल थी इस आदमी लर्निंग ऐप की, तो आप इसको देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन को, और इसकी मदद से आप जो है अपने एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो अच्छे नंबर्स के लिए अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं।